अजमेर में बच्चे के सामने पुष्कर के वेस्टर्न रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में अश्लील हरकत के मामले में महिला कांस्टेबल को भी अब एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले वायरल वीडियो में शामिल निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में महिला कांस्टेबल को न्यायाधीश के समक्ष भी पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 17 सितम्बर तक के लिए रिमांड पर सौंप दिया है। निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी जहाँ पहले से रिमांड पर चल रही है, वह अब महिला कांस्टेबल को भी गिरफ्तार कर 17 सितम्बर तक रिमांड पर लिया गया है। अब मामले में महिला कांस्टेबल से पूछताछ की जाएगी। वहीं महिला कांस्टेबल के बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर उससे ननिहाल पक्ष के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पूर्व में बच्चे की पशोपेश में ही महिला कांस्टेबल की गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी। एसओजी ने महिला कांस्टेबल से समझाइश करके बच्चे को ननिहाल पक्ष को देने के लिए राजी किया और उसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले में नागौर सांसद और आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने भी बयान जारी कर किया और कहा कि इस मामले में हीरालाल सैनी सहित लिप्त अन्य अधिकारियों को भी बर्खास्तगी सुनिश्चित होनी चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि हीरालाल सैनी के सीएमओ के अधिकारी से भी तार जुड़े हैं, ऐसे में किसी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के मामले की जांच करवानी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सख्त एक्शन लेकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।